हमारे लोगों को सुधा है। एक बड़े व्यापारी ऑल इंडिया डायमंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं वरुण राज। एफएआर में बदलाव हुआ, उसके बाद डीडी ने कई सारे नियमों में बदलाव किया, लगता है कि फायदा होगा इन सब चीजों से? बिल्कुल फायदा नहीं होगा। पहली बात तो नोटिफिकेशन आई नहीं कोई अभी तक ऑथेंटिक लिखित में, और ये एक ऐसा लॉलीपॉप चटा दिया है व्यापारियों को कि व्यापारी चाट के इसको आराम से बैठ गया है। हमें बैठना नहीं होगा, क्योंकि अभी ये जो सीलिंग का सांप है ये हर 10 साल में डंकता है आके, और जब भी डंकता है तब हमको दर्द होती है। पहले हम उस सांप को मारते क्यों नहीं? अब ये कांग्रेस ने ये सांप को थोड़ा सा सुलाया था, ये बीजेपी अपनी वो पटारी में से सांप निकाल के ले आई है, और ये इतने जनों को डस चुका है। 1100 अप्रोक्सीमेटली दुकानें दिल्ली में सील हो चुकी हैं, जो कि बहुत गलत है। 1100-1200 दुकानें सील होने का मतलब 5 बंदा अप्रोक्सीमेटली एक दुकान में काम करता हो, 5-6 हजार बेरोजगार हो गया। अगर वो बेरोजगार हो गया तो अपना गुजारा कैसे करेगा? उससे क्राइम रेट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। आज जो भी है स्थिति सरकार ने कर दी है व्यापारियों की, व्यापारी रो रहा है। ईस्ट पटेल नगर में परसों जैसे सीलिंग हुई थी, 62 ईयर्स के एक अंकल इतना रो रहे थे बच्चों की तरह, उनकी दुकान सील कर दी, घसीट के उनको नीचे लाए पुलिस बल और दुकान सील कर दी। और मैं हाथ जोड़ता रहा कि कोई समाधान हो, निकाल दो, कोई फाइन लेना ले लो, पर इन्होंने कोई। अगर नुकसान की बात करें, क्योंकि 3 दिन 72 घंटे तकरीबन हो रहे हैं, 3 दिन में आप लोगों को आंकड़े क्या कहते हैं, कितने का नुकसान अब तक, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या आप लोगों को उठाना पड़ा है अभी तक, और आगे कितना उठाना पड़ सकता है अगर हालात यही रहे तो? सर 3 दिन में 3600 करोड़ का आंकड़ा तो आ चुका है ऑन रिकॉर्ड अखबारों में, 3600 करोड़ का 3 दिन में बहुत ज्यादा ये बड़ा नुकसान है। मेरे को तो ये नहीं यहाँ व्यापारियों से पूछे कि आखिरकार तीन अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी, क्यों आखिरकार यहाँ संतुष्ट नहीं है व्यापारी वर्ग, उन्हें क्यों लग रहा है कि ये लॉलीपॉप देने का काम डीडीए कर रही है? एक चीज जानना चाहूंगा, आप एक ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट भी हैं और एक बड़े व्यापारी भी हैं, हीरा व्यापारी देश में नाम रहता है, देश नहीं विदेशों में भी नाम है उनका, जो तीन आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप एक तरीके से चढ़ा दिया गया है, उनमें क्या कमियां क्या लगती हैं और किस तरीके से देखते हैं आप? सर बातों में तो ये सरकार इलेक्शन जीत गई 2015 में, बातों में इन्होंने सारे व्यापारियों को बिठा भी दिया, तो इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं आपको। सबसे बड़ी बात है कि ये बातों के बहुत धनी है। हम जैसे व्यापारी जो है मीडिया, हम इतना हम पॉलिटिकल बंदे तो है नहीं, इन्होंने बातों बातों में इलेक्शन जीत ली, अब इनको शांत करने में आ गए हैं। आगे इनकी क्या रणनीति है कुछ नहीं पता। आज भी अखबार में आया है ये जो राहत दी है, ये आगे आने वाला खतरा है, अखबारों में आया है, मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबारों में आया है ये जो राहत है। ये खतरा किस तरीके से, खतरा कैसे मानते हैं आप इसको? सर रिटर्न में कुछ है नहीं शांत करने के लिए। मैं आपको बोल दूं भैया कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ, मैं बैठा हूं, मैंने लिखित में नहीं दिया, मैंने कोई आपको ऑथेंटिक नहीं दिया, मैं लिख के दे देता हूँ, वो मेरा रिकॉर्ड बन जाता है जी। अभी तक रिकॉर्ड सही है, यहाँ पर पूछिए, चूंकि ये पूरी प्रक्रिया है 3 दिन पब्लिक डोमेन में रखा जाता है और उसके बाद प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगती है, तो क्यों असंतुष्ट है व्यापारी, पहला ये सवाल उनसे पूछिए, चूंकि अभी तो पूरी प्रक्रिया अभी ऑन द लाइन है, अभी चल रही है ये चीजें। दूसरा सवाल ये पूछिए कि आखिरकार अगर आप इन प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं है तो फिर चाहते क्या है, क्योंकि इन प्रस्तावों का मकसद यही था कि सीलिंग रोकी जाए। पाइपलाइन है वो सिर्फ कहा गया है उस तरीके से, और अभी मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं आया, जैसे उन्होंने भी बताया कि ऑन रिकॉर्ड नहीं आया, तो क्या लगता है आपको कि इनसे खुश क्यों नहीं है? आखिर तीनों जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, पहले कमेटी बैठती है, मॉनिटरिंग कमेटी है वो बैठती है, तो इन प्रस्तावों में क्या कमी क्या लगती है आपको? जैसे अभी मेरे मित्र ने बताया कि सिर्फ जबानी तौर पर है, जबानी तौर पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ लॉलीपॉप। अभी तो टाइम है ना उसके लिए कि अभी वो ऑन रिकॉर्ड आएगा, ऑन पेपर सारी चीजें सर्कुलेट होगा, वो सारी अभी मॉनिटरिंग कमेटी। हाँ अरुण, आप कुछ कहना चाह रहे? सर टाइम आएगा, टाइम तो 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में भी आने थे, 4 साल में तो आए नहीं, अब ये कब आएगा आपको भी पता है, हमको भी पता है। अब ये परमानेंट सांप को मारोगे सीलिंग के, क्योंकि ये जगता ही रहेगा और 5 साल में। आप लोग क्या चाहते हैं, आप सलीम आप बताएं, आप क्या चाहते हैं अभी की पूरी तरीके से राहत अगर व्यापारी को दी जाए तो क्या होना चाहिए? इस पे इनको नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए और सीलिंग को तुरंत रोक लगा देनी चाहिए दिल्ली के व्यापारियों को, ताकि शांति मिले, उनको लगे कि हाँ गवर्नमेंट ने कुछ हमारे लिए कुछ। इन तीनों प्रस्तावों से आप लोग खुश नहीं है? नहीं बिल्कुल, कोई व्यापारी खुश नहीं है, दिल्ली की जनता खुश। क्या वजह क्या है उनमें? क्या वजह ये है कि हमेशा से ये सरकार जो आई है ये सिर्फ लॉलीपॉप देते हुए आई है, ताकि ये चीजें बंद हो जाए और फिर से ये इनका लूटने का खसोटने का कारोबार शुरू होता चला जाए। वरुण आप कुछ कह रहे थे, आप लोग खुश क्यों नहीं है? क्योंकि एक बड़ा तबका, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या दिल्ली में हो, डायमंड व्यापारियों का एक बड़ा योगदान देश के अर्थव्यवस्था में भी रहा है, आप उस चीज को बखूबी जानते हैं, तीनों जो प्रस्ताव पास हुए उनसे खुश क्यों नहीं है, क्या वजह और क्या होना चाहिए आपके?
सर पहले तो इनको व्यापारी के जो व्यापारी हमारे एसोसिएशन है फेडरेशन है उनके पदाधिकारियों को बुलाना चाहिए, बुला के उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए, उसके हिसाब से अमेंडमेंट करनी चाहिए, उसके बाद इनको अखबार में नोटिस निकालना चाहिए, नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए और पब्लिकली इसको फ्लायर करें, तभी व्यापारी शांत बैठेगा, नहीं तो ये सांप। इन तीनों चीजों से आप खुश नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल खुश नहीं है जी। सर यहाँ पर व्यापारी से पूछिए, क्योंकि राजघाट पर हम देख रहे हैं काफी बड़ी संख्या में प्रार्थना करने के लिए पहुंचे हैं गांधी जी के सामने, उनकी मूर्ति के सामने। आगे आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अब